मैं आपको कह रहा हूँ वो और तरीके से वो भी आजकल फार्मूला बना रहे हैं। हकीकत ये है कि दो पार्टीज़ के लीडर बैठे, उसको तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। दो पार्टीज़ के लीडर बैठने के बाद जहाँ जहाँ हमवार पोजीशन मिली, जो छोड़ना चाहा छोड़ा, जो नहीं छोड़ना चाहा नहीं छोड़ा, तीन सीटें एक दूसरे को चली गई। दो जम्मू की उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी, नहीं कैंडिडेट खड़ा किया, तो वो क्या है फिर? और हमने श्रीनगर में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो क्या है फिर? और ये हकीकत है, अगले तीन सीटों में खुल के लड़ेंगे। Yes. वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ रहे हैं, कोई उसका okay. हम अलायंस नाम दे नहीं रहे हैं। बारामूला में उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, हमारे भी कैंडिडेट लड़ रहा है। अनंतनाग में उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, कांग्रेस भी अगले दो दिन में वहाँ अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा खुल के लोगों के सामने। वो भी अपनी अचीवमेंट बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम भी कांग्रेस की पॉलिसी बता देंगे। लोगों के बीच में फैसला होगा, साउथ कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। आप बताओ जी कौन सा? तो और ये चुनाव हर हालत में भारतीय जनता पार्टी या जो उनकी क्यादत है 23 मई के बाद में इस देश में नहीं होगी, सरकार में नहीं होगी। ये गुलाम अहमद मीर का चैलेंज लिख के रखो। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.